हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग सीएचओ व पैरामेडिकल रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कोविड हेल्थ सहायक वाली वैकेंसी की, जो कि अभी राजस्थान में रनिंग में है, फॉर्म मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में 6 जिलों का अपडेट हमारे पास आया है। उन 6 जिलों में वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी के बारे में, साथ ही फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं दौसा ज़िले की। तो दौसा ज़िले में टोटल 430 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो GNM या BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 7,900 रुपये दी जाएगी। 31 जुलाई तक के लिए ये वैकेंसी है, चाहे तो सरकार आगे भी बढ़ा सकती है। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 22 मई से लेकर के 26 मई शाम 6 बजे तक फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 29 मई 2021 को आपके मेल आईडी पे, साथ ही साथ CMHO कार्यालय के ब्लैक बोर्ड पर लिस्ट चिपका दी जाएगी। जिन जिन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है, उनके नाम इस लिस्ट में होंगे। साथ ही इसमें यह भी मेंशन होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन सी डेट को प्रेजेंट होना है। बात कर लेते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। तो झुंझुनू में टोटल 1402 पोस्ट कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट है। सैलरी 7,900 आप देख पा रहे हैं। GNM BSc नर्सिंग, साथ ही साथ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो ऑफलाइन फॉर्म है। 23 मई 2021 से 27 मई 2021 शाम तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करने हेतु jhunjhunu.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना है। फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट या बाई हैंड दे सकते हो, तो आप कोशिश यही करें कि बाई हैंड CMHO कार्यालय में जमा करा दें, क्योंकि कोरोना काल में स्पीड पोस्ट सर्विस बहुत स्लो हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं राजसमंद ज़िले की। तो राजसमंद ज़िले में टोटल 633 पोस्ट है। सैलरी 7,900 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन GNM BSc नर्सिंग है। राजसमंद ज़िले में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 22 मई 2021 से 26 मई 2021 शाम 5 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने लिख रखा कि 30 मई 2021 को सुबह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हो जाना है। इसके अलावा विस्तृत जानकारी चाहिए तो नवीन कुमार जी व अशोक पुरोहित के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इनसे फ़ोन करके क्वेरी कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ की। इन्होंने पोस्ट का मेंशन नहीं कर रखा है, परंतु इनमें साफ लिखा हुआ है कि एक पोस्ट ग्राम पंचायत स्तर पर ली जाएगी, 2 पोस्ट PSC, 3 पोस्ट CSC व शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2 कोविड हेल्थ सहायक पोस्ट ली जाएगी। यानी पोस्ट की संख्या लगभग 1,000 से ज़्यादा ही होगी। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, GNM या BSc, सैलरी भी सेम रहेगी 7,900। चूरू रतनगढ़ में भी आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। लिंक जो सामने दिखाई दे रहा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डेट 25 मई 2021 शाम 6 बजे तक आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी हो तो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं 01567 222038, इस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बांसवाड़ा ज़िले की। तो बांसवाड़ा ज़िले में टोटल 805 पोस्ट है। सैलरी भी सेम 7,900 रहेगी। BSc नर्सिंग या GNM कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बांसवाड़ा ज़िले में फॉर्म की बात करें तो ऑफलाइन फॉर्म मांगा है। आप सिंपल एप्लीकेशन लिख सकते हो, उस पर फ़ोटो चिपका के उसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी अटैच करके आपको CMHO कार्यालय बांसवाड़ा में स्पीड पोस्ट या बाई हैंड जमा करवा सकते हैं।
सीएमएचओ कार्यालय बांसवाड़ा जिले की बात करें तो 24 मई 2021 से 28 मई 2021 शाम 6 बजे तक फॉर्म आप भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डूंगरपुर जिले की। तो डूंगरपुर जिले में टोटल 659 सीट है। इन्होंने फॉर्म भरने का ऐसा कोई कुछ डेट मेंशन नहीं की है। इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ कि 659 पोस्ट कोविड स्वास्थ्य सहायक की ली जाएगी और इन सभी को 25 मई 2021 को सुबह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्वास्थ्य भवन डूंगरपुर में उपस्थित होना होगा। ये डूंगरपुर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य भवन डूंगरपुर में सुबह 10 बजे प्रेजेंट हो जाए, वहीं पे हाथों हाथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी तो जो कि हमने आपको बता दी। नेक्स्ट दूसरे ज़िलों की इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास आएगी हम तुरंत आप तक पहुँचाएँगे। हो सकता है कि वीडियो इतना क्लियर नहीं हो परंतु ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि इन इन ज़िलों में एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रति वीडियो बनाते रहे आप तक भेजते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।